हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूँ दिनेश कुमार राजभर। मेरी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे सभी लोग प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेन भी खड़ी है, यहाँ पे थोड़ा ट्रेन की भी आवाज़ मैं निकालूंगा। थोड़ा दिखाइए भैया, सपोर्ट दिखाई ट्रेन का। और देखिए यहाँ पे लोग कमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा सीधा कीजिए भैया, कैमरा वाले भैया। तो किस चीज़ की अगर आवाज़ सुना तो भैया बताइए किस चीज़ की आवाज़। जिस चीज़ की आवाज़ जानते हैं वो सुनाइए हम लोग। मैं पहले ट्रेन का सुना दीजिए, ट्रेन की आवाज़ निकालना चाहता हूँ। हाँ, ट्रेन किस तरह से चलती है? जब प्लेटफॉर्म पे आती है, जब ट्रेन जब निकलती है तो पहले अपना सीट ले चलती है। उसका इंजन कैसा लगा आप लोगों को? जैसे जब ट्रेन जब चलती है तो उसके बाद जब फास्ट बदल जाती है, फिर उसके बाद जब प्लेटफॉर्म आता है, जब रुकती है, उसकी हवा निकल जाती है, इसी तरह से निकलती है ना। तो और बताइए कैसा आप लोग किस चीज़ की आवाज़ सुना चाहते हैं? कौवे का। भैया ने बोला कौवे की आवाज़, इनके लिए जो दाता नहीं है कौवे के लिए। कौवे कैसे बोलते हैं? इस डाल पर अगर मान लीजिए कौवे हैं तो कौवे कैसे बोलेंगे? और मैं उसकी आवाज़ सुनाना चाहता हूँ कौवे की आवाज़। तो फ्रेंड्स, मैं कौवे की आवाज़ निकाल रहा हूँ क्योंकि कौवे अभी इसमें चल गए हैं। उन लोग का आज हड़ताल है। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी ढेर सारे कौवे आए थे मेरी आवाज़ सुनकर। उन लोग का मीटिंग जो रखा था, मीटिंग लोग कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद आज हमारे भाई लोग का मीटिंग चल रहा है इस वक्त। तो बताइए किस चीज़ की आवाज़? मीटू को सुना दीजिए। मीटू का आवाज़ ठीक है। अगर मान लीजिए इस पेड़ पर अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे ढेर सारे का बंदर होंगे तो बंदर किस तरह से, बंदर किससे बोलेंगे? बंदर की आवाज़ निकलिए। सही है ना? ऐसे बोलते हैं ना भैया, ऐसे बोलते हैं। तो और किसी की आवाज़ सुनना चाहते हैं बता उल्लू सकते? का आवाज़ सुना दी। उल्लू का मैं आवाज़ में भी सीख रहा हूँ मैं। किसी और चीज़ बताइए जिस चीज़ का जाते हैं आप, उसका सुनाइए जिस चीज़ का आप जानते हैं। मैं अगर इस प्लेटफॉर्म पे मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर इस ट्रेन के सामने अगर मान लीजिए इधर आइए ना। हाँ, आ जाइए आइए, मेरी आवाज़ सुनने के लिए आप लोग बहुत बेचैन हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो ट्रेन खड़ी है, अगर इसी पे अगर मान लीजिए कि एम्बुलेंस अगर इसी पे चलेगी तो इस पटरी तक कैसे चलेगी? कैसा लगा आप लोगों को? इसके बाद हाई ब्रिगेड इसी में लालू प्रसाद भी जा रहे हैं, इसी में हमारे मोदी जी भी जा रहे हैं, सभी लोग इस साथ में। ये बहुत बड़ा रास्ता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई लोग मिलकर मुझे बहुत यहाँ पे सपोर्ट डेट किया है मेरी आवाज़ सुनने के लिए। काफ़ी कैसा लगा आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनने? एक नंबर का, बहुत मस्त भाई साहब, बहुत। और आप लोग बीच में एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि निप की पत्ती किसी चंदन से कम नहीं, कि निप की पत्ती किसी चंदर से कम नहीं, और हमारे जितने भी यूपी वाले भैया लोग हैं किसी लंदन वाले लोग से कम नहीं। एक नंबर का, वाह भाई वाह। और कहते हैं कि हर एक इंसान के जीवन में कभी खुशी और कभी गम होता है, हर एक इंसान के जीवन में कभी खुशी और कभी गम होता है, अरे तालियां वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। वाह भाई वाह, गजब गजब। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीच में किसी चीज की अगर आवाज सुना चाहते, अगर मान लीजिए अगर ये हमारे चाचा जी हैं, चना बेचते हैं, अगर चने का अगर रोल अगर हमारे अमिताभ बच्चन जी अगर दिया जाए तो कैसे बेचेंगे प्लेटफॉर्म पे? देखिए भाई साहब, ये जो मेरा चना है, आए कच्चा चना है लेकिन बहुत बहुत फेवरेट चना है, आए इसको खाने से भी घोड़ा भी तगड़ा हो जाता है। अरे भाई साहब, अब मैडम आप ले लीजिए। आए आए इसके बाद अगर हमारे धर्मिंदर जी अगर चाय बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? चाय गरम चाय भाई साहब, मेरा चाय 10 रुपये का चाय है, इसको पीने से बहुत अच्छा रोग नहीं पकड़ेगा, काला चाय है,
और इसके बाद धर्मेंद्र है, यो चाय धर्मेंद्र चाचा जी धर्मेंद्र ही है, यो चाय चल। अच्छा ठीक है वाह भाई वाह गजब। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं आप लोग के बीच में अगर हमारे जानी लीवर जी अगर आ जाएंगे पकौड़े बेच, अरे हो यार जानी लीवर जी पकौड़े बेच के बाबा मेरा गरम गरम पकौड़े ले रहे बाबा ये गरम पकौड़े। अरे ऐसे बोलने के बाद एक महिला भड़क गई, बोलते क्या आपको बोलने का कोई टैलेंट नहीं है, इतने बड़े बड़े आंख दिखा रहे हो, हाँ पकौड़े तो तुम्हारे खुद इतने बड़े बड़े हैं। इसलिए हमारे प्रेस रावल वो बोलेंगे क्या बाबा रे ले या पानी ले रहा बाबा पल्ले पानी या राजू या तू ला रे पानी। तो ऐसे ऐसे लोग फ्रेंड्स आप लोग बीच में आवाज निकालता हूँ प्रेस रावल गजब एकदम टैलेंट एकदम। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग बीच में कोई बात नहीं, मेरी कला है नहीं आवाज हूँ भैया बताइए ना, मैं लेडीज की आवाज में गाता हूँ, मैं लता दीदी जी का भी आवाज में गाता हूँ, लता दीदी जी गाती हैं, लता भैया बताएंगे। इस ट्रेन को मैं देखकर ये गाना मैं गाना चाहता हूँ, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। कैसा लगा आप लोग बताइए, यही आवाज है। तो मैं सभी लोग से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं हाथ गोड़ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरी वाकई अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप लोग का भाई भोला आर्टिस्ट, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।